जारी हिंसा के बीच तीन भारतीयों का रेस्क्यू किया गया है जो विमान में फंसे हुए थे। तीनों भारतीय क्रू मेंबर थे और बाकी यात्रियों के साथ फंसे हुए थे। तो सूडान में जो हिंसा जारी है उसमें आपको बता दें कि तीन भारतीय फंसे हुए थे जिनका सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है। जानकारी मिल पा रही थी कि बाकी यात्रियों के साथ बीच में फंसे हुए थे, तीनों भारतीय क्रू मेंबर थे। अदालत में पेश किया जाए। गोरखपुर शहर में टाउन हॉल के पास बनी गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन के दौरान सम्पूर्णानंद मल हाथों में बैनर भी लिए दिखाई दिए, जिस पर शाइस्ता और अतीक के परिवार के समर्थन में बातें लिखी थी। धरना दे रहे सम्पूर्णानंद मल को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में माफिया सरगना अतीक अहमद के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले आरोपियों पर एक्शन हुआ। पुलिस ने दो लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्योंकि दोनों पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने और उसे वायरल करने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने जांच करके नौशाद और फैजान नाम के दोनों आरोपियों पर एक्शन लिया। जो भी व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट डालेगा वो ये मान के चले कि हमारी नज़र उसके ऊपर है और कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर विधि सम्मत हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तीन शूटरों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद ही उज्जैन के नौशाद और फैजान नाम के लड़कों ने पोस्ट लिखी थी, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस से की थी। और उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि बखमूत के जिन इलाकों पर पुतिन की सेना ने कब्जा किया था वहां उनकी सेना ने जोरदार हमले किए, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वीरान पड़ चुके शहर में एक के बाद एक जोरदार धमाके होते दिखे। खंडहर हो चुकी इमारत पर टैंक के जरिए एक बड़ा धमाका होता नजर आया, जिसके बाद वहां आग लग गई, धुएं का गुबार उठने लगा। हमले के बाद इतना ज्यादा धुआं उठ रहा था जिसे देखने पर लग रहा था मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। यूक्रेन की सेना का दावा है कि ये वही इलाका है जिस पर 2 दिन पहले ही रूस ने कब्जे का दावा किया था। असल में पुतिन की सेना ने पश्चिमी बखमूत के 3 जिलों पर पूरी तरह कब्जा कर लेने का दावा किया था। बीते कई महीनों से पूरा बखमूत भयंकर जंग का मैदान बन गया। पुतिन की फौज और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से कई शहर खंडहर बन गए, हजारों लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। पश्चिमी बखमूत में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिस पर हमला नहीं हुआ हो। पिछले 5 महीने से रूस की सेनाएं हमले कर रही हैं, हालांकि उनकी कोशिश के बावजूद बखमूत पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आ सका। इस बीच उधर अफ्रीकी देश सूडान में हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। राजधानी खर्तूम और उसके आसपास दूसरे शहरों में लगातार बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम की पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच 2 बार तय हुआ सीज फायर टूट चुका है। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी और बमबारी की जा रही है। खर्तूम के पास विस्फोट के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। सूडान के ज्यादातर हवाई अड्डे वॉर जोन में तब्दील हो गए। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो जाने से लाखों लोग घरों के अंदर दुबके हैं। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का है। सूडान पर राज करने को लेकर करीब 1 हफ्ते से चल रही भीषण लड़ाई सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है।